किस किसने क्लास रिकॉर्ड की है? नोट की है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज हमने एक स्टोरी ली है, स्टोरी है बेटर देन मिनिस्टर। ठीक है, इस स्टोरी को हम समझेंगे कि इसके लिए किसकी हिंदी निकालेंगे, ठीक है, और एक वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग देखते रहेंगे, और फिर मीनिंग देख के हम देखेंगे इसकी हम इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो जो स्टोरी है वो है बेटर देन मिनिस्टर। बेटर मतलब होता है अच्छा, देन मतलब से, मिनिस्टर्स मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। हाँ, मंत्रियों। ठीक है, तो मंत्रियों से अच्छा। अब मंत्रियों से अच्छा क्या है, डिस्कस करते हैं स्टोरी में। जब पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, ये क्या है आपकी एक स्टोरी है, ठीक है, उसको हमने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा है वन, क्या पढ़ेंगे इसको, वन। तो पहले पढ़ना सिखा देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी हिंदी बता देंगे। ये लिखा है डे, अ पुअर। अब ये वॉ और सर क्या हो जाएगा, वॉशर और मैन, क्या पढ़ेंगे इसको, वॉशरमैन। अब ये हो जाएगा लो और डेड, क्या पढ़ेंगे इसको, लोडेड। द क्लोथ्स ऑन हिज डंकीज बैक, क्या हुआ इसका हिंदी, देखिए। वन डे अ पुअर वॉशरमैन लोडेड द क्लोथ ऑन हिज डंकीज बैक। वन डे मतलब एक दिन, अ पुअर का मतलब गरीब, वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, लोडेड का मतलब होता है लाद दिया, द क्लॉथ का मतलब कपड़ों को, ऑन का मतलब पर, हिज मतलब उसकी, डंकीज का मतलब, डंकीज बैक का मतलब होता है डंकी की पीठ पर। क्या हुआ, वन डे पुअर वॉशरमैन, एक दिन गरीब वॉशरमैन धोबी ने गधी के पीठ पर, गधे के पीठ पर क्या कर दिया, कपड़ों को लाद दिया। ये इसकी हिंदी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है देन। अब देखिए यहां पर ये वाला देन हमने लिखा है, इसको भी हमने देन पढ़ा, इसको भी हमने देन पढ़ा, दोनों में डिफरेंट है। ये वाला देन जो होता है, हम जब किसी कंपेयर करते हैं दो वस्तुओं के बीच में, कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा अच्छा है, तो हम कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए देन लगाते हैं। ठीक है, ये जो देन है इसके बाद होता है, इसका मतलब देन फिर या इसके बाद। ठीक है, देन इसको पढ़ेंगे ही, क्या पढ़ेंगे, ऑल्सो सेट ऑन द डंकी, क्या है, देन ही ऑल्सो सेट ऑन द डंकीज। देन का मतलब इसके बाद, ही का मतलब है, ऑल्सो मतलब इसी प्रकार, सेट मतलब बैठ गया, ऑन द डंकीज, और वह भी डंकी के ऊपर क्या हुआ, बैठ गया। पहले उसने कपड़ों को लोडेड किया, इसके बाद में डंकी के ऊपर वो वॉशरमैन खुद बैठ गया। ठीक है, ऑन द वे, रास्ते पर। ठीक है, सम पीपल लाफ, कुछ पीपल जो है, व्यक्ति हैं, उस पर क्या हुए, हंसे, एट हिम मतलब उस पर, एंड सैड, और क्या कहा, और कहा, ठीक है, और कहा, लुक, एल आ गया, डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे, हे लुक, हे देखो, अ फूल इज राइडिंग अनदर फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, मूर्ख हो गया, पागल हो गया, यहां पर मूर्ख ही पढ़ेंगे, है लुक अ फूल, ए देखो एक मूर्ख को, इज का मतलब है, राइडिंग का मतलब सवार, ठीक है, या सवारी करना, अनदर फूल, एक फूल व्यक्ति दूसरे फूल पर क्या है, बैठा है। उन्होंने गधे को भी क्या बोल दिया, फूल बोल दिया, मूर्ख बोल दिया, और जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है उसको भी क्या बोल दिया, फूल। क्यों बोल दिया, पहले उसने कपड़े लाद दिए, फिर उसके ऊपर बैठ गया। ठीक है, द वॉशरमैन रिप्लाइड, द वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी, मैंने बताया, रिप्लाइड का मीन होता है उत्तर देना। ठीक है, ही इज नॉट फूल, ही का मतलब यह है, इज का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, फूल का मतलब मूर्ख। क्या कहा उस वॉशरमैन ने, ही इज नॉट फूल, यह है जो है फूल नहीं है। फॉर माई जंकी इज स्मार्टर देन द किंग्स मिनिस्टर, और क्या कहा, देखिए, फॉर माई जंकी इज स्मार्टर, स्मार्टर का मतलब होता है तेज, समझदार। ठीक है, स्मार्टर देन द किंग्स मिनिस्टर, तो उसने कहा राजा के जो मंत्री हैं उनसे समझदार मेरा क्या है, गधा है या फूल नहीं है। सून, सून मीन्स होता है बहुत जल्दी। ठीक है, द वॉशरमैन्स कमेंट रीच्ड द किंग्स ईयर्स, सून मतलब होता है बहुत जल्दी, द वॉशरमैन्स का मतलब होता है कमेंट का मतलब जो कहा उसने, ये टिप्पणी करना होता है, इसका मतलब ये जो कहा, तो द वॉशरमैन्स कमेंट, जो वॉशरमैन ने कहा था कि मेरा गधा जो है फूल नहीं है, ये राजा के मंत्रियों से भी क्या है, स्मार्टर है, बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा तेज है या समझदार है। सून द वॉशरमैन कमेंट रीच्ड द किंग्स ईयर, किंग्स ईयर का मतलब राजा के कानों तक, तो जो वॉशरमैन ने कहा कि मेरा जो गधा है या डंकी है स्मार्टर है,
स्मार्ट है, ठीक है, किंग्स मिनिस्टर से। तो ये जो उसने कहा, इसकी ये राजा के कानों तक ये बात पहुंच गई कि वो एक वाशरमैन है, उसने ऐसा बोला है हमारे मंत्रियों के लिए। ही सम्मंड, सम्मंड का मतलब होता है संदेश भेजना या बुलावा, ठीक है। ही सम्मंड द वाशरमैन एंड आग्र, क्या इसकी मीनिंग हुई? ही का मतलब उसने, सम्मंड का मतलब भेजा, द वाशरमैन एंड आग्र, और उसने वाशरमैन को बुलाया, एंड और आश्मीज होता है पूछना, और क्या किया, पूछा, व्हाट मेड योर यू क्लेम दैट योर डंकी, व्हाट मेड, मेड का मतलब कहा या बनाया, मेड योर क्लेम, क्या तुमने दावा किया, व्हाट का मतलब क्या, मेड योर क्लेम, तुमने क्या दावा किया, दैट योर डंकी, अपने डंकी के बारे में तुमने क्या दावा किया, वाच किया का मतलब था सोशमार्ड, कह रहे हैं तुमने अपने डंकी के बारे में क्या वादा किया कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब होता है समझदार, अच्छा देखना नहीं कि आज हम लोग बोलते कि बहुत स्मार्ट लग रहे हो, इसका मतलब अच्छा देखना नहीं होता है, ठीक है, स्मार्ट का मतलब होता है कि आप कितने समझदार है। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी का मतलब बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं महाराज, आपकी आज्ञा हो, है ना, योर मजेस्टी मतलब महाराज। वन डे, एक दिन, एस बी क्रॉस्ड, क्रॉस का मतलब होता है पार, बी का मतलब हम पार कर रहे थे अ ब्रिज, क्या पार कर रहे थे, ब्रिज पार कर रहे थे। माई डंकीज, मेरे गधे का, सीट का मतलब है यहां पर पैर, ठीक। तो योर मजेस्टी वन डे एस बी क्रॉस्ड अ ब्रिज माई डंकीज फीट बर कॉट इन ए गैप बिटवीन ऑल टू स्लैब्स ऑफ वुड ऑन द ब्रिज, क्या इसकी मीनिंग पढ़ेंगे दोबारा से, योर मजेस्टी वन डे एज वी क्रॉस्ड अ ब्रिज माई डंकीज फीट वर कॉट इन गैप, कॉट का मतलब फंस जाना या, ठीक है, और गैप का मतलब जगह में, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, टू का मतलब दो, स्लैब्स का मतलब होता है तख्ते, लकड़ी के तख्ते नहीं होते साहब, टेबल बैठे हो तो आप इसको निकालो, तख्ते बोलेंगे मतलब स्लैब बोलेंगे। ऑफ वुड, किसके स्लैब था, लकड़ी का स्लैब था। ऑन ब्रिज, किस पर, ब्रिज पर। अब इसकी हिंदी देखिए, योर मजेस्टी वन डे एज वी क्रॉस अ ब्रिज माई डंकी फीट वर कॉट इन गैप बिटवीन टू स्लैब ऑफ वुड ऑन द ब्रिज, कह रहे एक दिन हम क्या कर रहे थे, मैं और मेरा गधा क्रॉस कर रहे थे ब्रिज पर, वहां पर मेरे गधे का जो पैर है दो तख्तों के बीच में क्या हुआ, फंस गया, लकड़ी के तख्तों के बीच में क्या हुआ, फंस गया। सिंस देन, सिंस देन का मतलब इसके बाद या जब से, सिंस देन ईच टाइम, ईच टाइम का मतलब हर समय, वे मीन्स होता है जब, ही रीच मतलब पहुंचता है डेट स्पॉट, स्पॉट का मतलब जगह होता है, डेट का मतलब उस, क्या हुआ इसका मीनिंग, सिंस देन ईच टाइम देन ही रीच देन स्पॉट, उसने कहा जब भी, जब से, हर समय जब भी वो वहां पर पहुंचता है या उस जगह पर पहुंचता है, ही क्रॉस द ब्रिज केयरफुली, ही क्रॉस मतलब वह पार करता है, द ब्रिज का मतलब पुल को, केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक, जब भी वो उस जगह पर पहुंचता है तो मेरा गधा जो है उस पुल को केयरफुली क्या करता है, क्रॉस करता है। बट योर मिनिस्टर्स, लेकिन आपके जो मंत्री हैं, Have been spending. Spending का मतलब होता है खर्च करना, कैसे पढ़ेंगे, इस और पेन और डिंग, क्या हो गया, spending का मतलब खर्च करना, money from the royal treasury, again and again, but have not learned that they are making a mistake. अब हिंदी देखिए, what your minister, लेकिन आपके मंत्री Have been spending, खर्च कर रहे हैं, money का मतलब पैसा या धन, from का मतलब से, the royal treasury, royal का मतलब होता है राजशाही, ठीक है, ये राजशाही, ये बड़े, जो बड़े बड़े लोग नहीं होते, बड़े पैसे वाले होते हैं, इसको हम royal बोलते हैं, या राजशाही, treasury का मतलब खजाना, तो जो राजा का खजाना है royal treasury, treasury को बोलते हैं खजाना, जहां बहुत ढेर सारा रुपया पैसा रखा हो उसको treasury बोलते हैं, तो royal treasury मतलब राजशाही खजाने से, अगेन एंड अगेन, बार बार और बार बार, बट लेकिन,
हैव नॉट लर्न्ड, लेकिन इन्होंने सीखा नहीं, दैट दे आर मेकिंग, मेकिंग का मतलब कर रहे हैं, दैट दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, जो क्या है बार बार मिस्टेक को कर रहे हैं। अब क्या मीनिंग हुआ, देखो ये कह रहे हैं, ये कहना यह चाहता है कि आपके मंत्री जो है गलत जगह पैसा लगा रहे हैं और बार बार जो है रॉयल ट्रेजरी से रुपया निकाल निकाल के खर्च कर रहे हैं, लेकिन वहां से सीख नहीं रहे हैं कि रुपया कहां पर खर्च करना है। लेकिन मेरा जो गधा है वो पुल से निकल रहा है, एक बार पैर फंस गया था, गलती हो गई, दोबारा वहां से निकलता है तो केयरफुली होके निकलता है। ये बहुत सीखने वाली बात है, एक गलती हो जाए तो आपको वहां पर केयरफुली रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, बट योर मिनिस्टर हैव बीन स्पेंडिंग मनी फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी अगेन एंड अगेन, वुड हैव नॉट लर्न दैट दे आर मेकिंग अ मिस्टेक। कह रहे हैं लेकिन आपके जो मंत्री हैं बार बार क्या है रॉयल ट्रेजरी से पैसा खर्च कर रहे हैं, वो कहां लगाना है सही जगह नहीं लगा रहे हैं। एट दिस द किंग का मतलब जो भी ये बात हुई है इस पर द किंग स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, तो इस कॉल्डेड, तो द किंग इज कॉल्डेड इस मिनिस्टर, जो राजा ने अपने मंत्रियों को क्या किया, डांटा। ठीक है, एंड और स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब था शुरू कर देना, कीपिंग एन आई ऑन देयर स्पेंडिंग। राजा ने देयर मतलब अपने स्पेंडिंग का मतलब जो भी मंत्री खर्च करेंगे अपने खर्च करेंगे, इस बात जो भी बात हुई इस पर राजा ने स्कॉल्डेड का मतलब डांटा मंत्रियों को, एंड और स्टार्ट का मतलब शुरू कर दिया, कीपिंग ऑन आई देखभाल करना, कीपिंग ऑन आई का मतलब किसी पर नजर रखना या देखभाल करना, ऑन देयर स्पेंडिंग, और फिर राजा ने जो खर्च होगा उस पर उन्होंने नजर रखना शुरू कर दिया। तो ये मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, स्टोरी ये कहता है, क्या कहा, वन डे द पुअर वॉशरमैन लोडेड द क्लॉथ ऑन हिज डंकी बैक, एक दिन क्या हुआ वॉशरमैन ने अपने गधे के ऊपर कपड़ों को लोड कर दिया, then he also sat on the donkey, और वो भी उसके ऊपर क्या हुआ बैठ गया, one the way रास्ते पर, on the way मतलब रास्ते पर, some people laughed, कुछ people लोग हंसे at him उस पर, and said और कहा, hey hey देखो, look means देखो, a fool एक मूर्ख व्यक्ति, on riding another fool एक मूर्ख फूल या मूर्ख व्यक्ति दूसरे मूर्ख पर क्या कर रहा है riding कर रहा है, सवारी कर रहा है। The washerman replied, तो washerman उसने replied किया, he not a fool, ये क्या है fool नहीं है, for my donkey is smarter than the king minister, मेरा जो donkey है वो राजा के मंत्रियों से भी क्या है smart है, समझदार है। soon मतलब बहुत जल्दी, the washerman comment switched, तो washerman का comment था उसने कहा कि मेरा गधा जो है smart है मंत्रियों से, the king ears राजा के कानों तक पहुंची ये वाली बात कि किसी धोबी ने ये वाली बात कही है कि राजा के जो मंत्री हैं वो मेरे गधे से भी क्या है मूर्ख है, मेरा गधा उनसे समझदार है। वाज द सो स्मार्ट, नहीं सम, फिर क्या आ गया, परफॉर्मेंट कमेंड द किंग इयर्स, ही समंड द वॉशरमैन और आस्क्ड, और उसने समंड का मतलब बुलाया, द वॉशरमैन को बुलाया एंड आप पूछा, व्हाट मेड योर क्लेम दैट योर डंकी वाज द सो स्मार्ट, आपने क्या दावा किया कि मेरे जो आपका जो गधा है वो हमारे मंत्रियों से क्या है समझदार है। Your Majesty, हाँ महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो, one day we are crossed, एक दिन हम cross कर रहे थे a bridge, एक bridge को my donkey's feet, मेरे donkey का पैर were caught, मतलब फंस गया in a gap, gap में between two slab, दो तख्तों के बीच में क्या हुआ फंस गया, कभी कभी दो तख्ते नहीं होते फंस जाता है, ऐसे फंस गया on a wood, लकड़ी के slab पे, on the bridge, मतलब फंस गया, since then each time when he reached That spot he crossed the bridge carefully. कह रहा है since इसके बाद जब भी वो उस स्थान पर पहुंचता है तो वो उस ब्रिज को carefully क्या करता है cross करता है। But your minister, लेकिन आपके मंत्री have been spending money from the royal treasury again and again. आपके जो मंत्री हैं royal treasury मतलब the royal treasury, लेकिन आपके जो मंत्री हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं अगेन एंड अगेन बार बार आपके रॉयल ट्रेजरी से खजाना खर्च कर रहे हैं। बट हैव नॉट लर्न्ड, लेकिन उन्हें नहीं सीखा, हैव नॉट लर्न्ड दैट दे आर मेकिंग मिस्टेक, लेकिन वो उन गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। एट दिस द किंग, इस बात पर राजा ने स्कॉल्ड का मतलब डांटा द मिनिस्टर मतलब मंत्रियों को, एंड स्टार्टेड द कीपिंग ऑन आई ऑन देयर स्पेंडिंग, और राजा ने तब से क्या किया उनके खर्चों पर या अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मोरल ऑफ स्टोरी क्या है भैया, ये स्टोरी ये है जैसे डंकी मतलब गधे ने एक बार क्या हो गई उससे गलती हो गई, गलती क्या हो गई कि उसका जो पैर है जो फीट है वो क्या कैच हो गया फंस गया
इन अ टू इन अ गैप, गैप में फंस गया था, ठीक है, स्लैब ऑन द वुड, लकड़ी के गैप में फंस गया था। तब से जब भी ब्रिज में जाता है वहां उस ब्रिज को केयरफुल क्या करता है, क्रॉस करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमसे गलती हो जाती है हम बार बार उस गलती को दोहराते हैं, तो हम भी क्या है, गधों से क्या है, गैर गुजरे हैं, जो एक बार गलती हो जाने के बाद में दोबारा से दोहराते हैं। तो इसी प्रकार कहा गया कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमको दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहिए।